बेलापुर गांव में इंद्र कुमार नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। उसका पूरा जीवन खोज और आविष्कार में ही बिता, पर उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा आविष्कार किया था उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। जब उसे ये एहसास हुआ कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो उसने अपने पोते को बुलाया। नरेंद्र, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। आप आए दिन इतनी सीरियसली बात क्यों करते हैं दादाजी? मेरी बात ध्यान से सुन, एक ऐसा राज है जो आज तक सबसे छुपा हुआ है। क्या मैं आपका गोद लिया हुआ पोता हूँ दादाजी? अरे नहीं नालायक, मेरा एक ऐसा आविष्कार है जो सबके सामने आ जाए तो तहलका मचा दे। तो आपने अभी तक तहलका मचाया क्यों नहीं दादाजी? हे भगवान, ये तेरी हंसी ठिठोली तो मुझे मरने नहीं देगी। चुप हो जा और मेरी बात सुन। मैं वो आविष्कार किसी बड़े आदमी को बेचना चाहता था। अब तू ही संभाल और जैसा ठीक लगता है कर। पर ऐसा क्या है दादाजी, और आप कहीं नहीं जा रहे? हाँ, मैंने समय में यात्रा करने वाली एक टाइम मशीन बनाई है, जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भविष्यकाल और भूतकाल में जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, उस टाइम मशीन का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना। ये आप क्या कह रहे दादाजी, कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं क्या? ये ले तहखाने की चाबी और ये मशीन की चाबी। इसे 3 बार आगे पीछे करने से मशीन चालू हो जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं दादाजी? नरेंद्र तुरंत वहां से भाग जाता है और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बिल्लू को बुलाकर लाता है। उसे लेकर तहखाने में जाता है। दोनों दोस्त सामने खड़ी मशीन को देखकर दंग रह जाते हैं। नरेंद्र वापस दादाजी के कमरे की तरफ भागता है। देखता है कि इंद्र कुमार सुकून की नींद सोए हुए हैं, जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। वो उन्हें उठाता है, पर वो तो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। नरेंद्र दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, मुझे लगता है कि तेरे दादाजी मरते मरते तेरे साथ मजाक कर गए। भला इसमें बैठकर हम लोग समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, दादाजी ने कहा है तो ये सब सच ही होगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस मशीन का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करें? पर दादाजी ने कहा था इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना। अरे तो हम कौन सा किसी का बुरा कर रहे हैं? अपनी भलाई करने में क्या बुराई है दोस्त, बताओ तो जरा। बात तो सही है। बचपन में मैंने दादाजी को किसी से कहते सुना था कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में आज से 50 साल पहले कुछ डाकू एक बड़ा खजाना छुपाकर चले गए थे। लोगों ने उस खजाने को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला। तो हम इस मशीन में बैठकर समय में 50 साल पीछे जाएंगे और जंगल में गड़ा हुआ वो खजाना लेकर आ जाएंगे। इसके बाद तो जिंदगी भर मौज करेंगे दोस्त। अरे पर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या होगा, कोई भूत पकड़ लेगा क्या? बच्चे जैसी बातें छोड़ और चल फटाफट। तो चलो फिर, देर किस बात की। दोनों मशीन में बैठ जाते हैं। नरेंद्र मशीन शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सालों पीछे जाने लगते हैं। लगता है हम दोनों पहुंच गए हैं। अरे ये क्या, सामने से कुछ डाकू आ रहे हैं। ओह, मतलब ये डाकू मंगल सिंह अपने आदमियों के साथ खजाना लेकर आ रहा है। सुनो, अब जल्दी से इस पेड़ के पास सारा खजाना छुपा दो। हाँ हाँ सरदार, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमने सारा खजाना कहाँ छुपा रखा है। अरे अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से खुदाई शुरू करो। हे भगवान, इतना सारा पैसा। हे भगवान, इतना सारा पैसा और सोना। बिल्लू का मुंह खुला रह जाता है। अरे मुंह बंद कर ले, मुंह में मच्छर ना चला जाए।
और कहीं गलती से आवाज निकल गई ना तो ये मंगल सिंह हम दोनों को ही मच्छर की तरह मसल देगा। डाकू जमीन में खजाने से भरा बक्सा गाड़ देते हैं। हमारा काम हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं। चलो फटाफट खजाना लेकर यहाँ से पहली फुर्सत में रवाना होते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों खुदाई करके बक्सा बाहर निकाल लेते हैं। अरे भाई ये बक्सा तो बहुत भारी है, लगता है हमारी आने वाली कई पीढ़ी बैठ कर खाएगी। तभी नरेंद्र कुछ सोचता है और घबरा जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब तो खजाना हमें मिल चुका है। अरे अभी मुझे याद आया, मेरे दादाजी ने ये भी बताया था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है, इसलिए इस खजाने को ढूंढने जितने लोग भी गए थे आज तक कोई वापस नहीं आया। अरे मर गए रे, भगवान करे अभी चुड़ैल सो रही हो, चलो भागते हैं यहाँ से। अपनी मशीन की चाबी तो उठा लो। अरे हाँ। अरे पर ये कौन बोला? दोनों ऊपर देखते हैं, पेड़ पर उन्हें एक डरावनी चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। देखिए चुड़ैल जी, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है, मैं तो बेकार में लालच पे पड़ गया। एक काम करते हैं, इस खजाने के तीन हिस्से कर लेते हैं, है? खुश। अरे वो लालची इंसान, जान से ज्यादा खजाना प्यारा है क्या तुझे? देखिए चुड़ैल जी, आप पूरा खजाना ले लीजिए, बस हमें घर जाने दीजिए। मैंने तुम्हें घर जाने से कब रोका, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप हमारे साथ चलकर क्या करेंगी? तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे शहर ले चल, इस जंगल में मैं बोर हो गई हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि 50 साल के बाद की दुनिया कैसी है। आप तो काफी शौकीन चुड़ैल मालूम होती है, पर क्या है ना, इस मशीन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो तुम मशीन चलाओ, मैं बैठती हूँ और इस बिल्लू को यहीं शेर और भालू के डिनर के लिए छोड़ जाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, थोड़ा एडजस्ट करके तीनों बैठ जाते हैं। आधी रास्ते पहुंचने के बाद, मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, किसे मार कर खाऊं? नरेंद्र और बिल्लू पसीना पसीना हो जाते हैं। क्या ये दोनों वापस घर पहुंच पाएंगे, या ये चुड़ैल किसी को मार के अपनी भूख मिटाएगी? ये जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।